तो एमपी स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अंक गणित का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है औसत। औसत एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता ही है और साथ में अपने दैनिक जीवन में भी इसका बहुत उपयोग होता है। तो आज हम ये समझेंगे कि औसत होता क्या है, इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है और इसके ऊपर कैसे सवाल है वो आते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखिए, औसत होता क्या है। परिभाषा कोई बताएगा, परिभाषा क्या होती है औसत, एवरेज किसे कहते हैं, कोई भी परिभाषा आती हो तो आप देखो। औसत के अंदर मतलब अपने को ये लेके चलना है कि जैसे आप पांच बच्चे हो, आप सभी की एज है जो अलग अलग है, किसी की 22 वर्ष है, किसी की 20 वर्ष है, किसी की 21 वर्ष है। तो फिर आपका अगर एवरेज पूछे कोई कि एवरेज उम्र क्या है, इसका मतलब है कि ऐसी एक संख्या बतानी है, उसका डाटा का आपको आइडिया लगाना है जिससे ये पता चले तो वो उम्र तो सभी की होगी ही होगी, चाहे उससे कम हो चाहे उसके ज़्यादा हो, उसके आसपास तो रहेगी रहेगी, वो होता है औसत। और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है औसत का, ये सिर्फ डाटा का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई खिलाड़ी है, अच्छा प्लेयर है या नहीं है, तो उसका औसत देखेंगे, रन ये कितने बना रहा, 5 मैचों से, पिछले 10 मैचों से, 15 मैचों से, उसका औसत अच्छा है तो उसको अगले मैच के लिए लिया जाएगा वरना नहीं लिया जाएगा। तो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ज़्यादातर, और भी बहुत फैक्टर होते हैं पर ज़्यादातर है ना, औसत कितने रन बनाता है या विकेट लेने वाला गेंदबाज है कोई, तो उसका ये देखेगा कि कैसा औसत से रन दे रहा है, किस औसत से विकेट ले रहा है, ठीक। और उसी ये आइडिया लगाया जाता है कि अपने इस औसत से जनसंख्या का भी औसत लगाया, औसत से ही आइडिया लगाया जाता है। परिभाषा है इसके अंदर अपन ये पूछेंगे, संख्याओं के योग करने के बाद उसमें इनकी संख्या का भाग दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, औसत प्राप्त होता है। बोलते रहना अपने को, जो भी क्वेश्चन है इस परिभाषा में ही इसका सूत्र है, सूत्र से ही परिभाषा बनाई है। और मैथ में तो कोई परिभाषा का यूज है नहीं, अपने तो परिभाषा क्यों लिखा रहे हैं, ताकि ये टॉपिक है वो आपके माइंड में सेट हो जाए। गणित का क्वेश्चन तभी होगा जब अपने क्वेश्चन को समझेंगे, कोई भी छोटी से छोटी समस्या हो पूछ लेना, नहीं आ रहा। सवाल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सवाल को समझना ज़रूरी है। गणित का सवाल तभी होगा जब आप क्या करोगे, उस पर्सन को समझोगे। उत्तर ऐसे आप डायरेक्ट उत्तर पर जाकर कोशिश करने लगोगे तो गणित का उत्तर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो सूत्र क्या है, अपन ने ये बोला कि संख्याओं का योग कर लो और योग करने के बाद उनमें ये संख्या अपने पास कितनी है उसका भाग दे दो तो हमें क्या मिल जाएगा, औसत प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार जब आप औसत का सूत्र लिखोगे तो लिखिए राशियों का, संख्याओं का या राशियों का एक ही बात है, सूत्र ये होता है किसका, औसत का, बराबर। हाँ राशियां लिखो या संख्याओं लिखो, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अभी भी ये डाटा से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक। डाटा जरूरी है क्वेश्चन को समझाने के लिए। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, यदि ए बी सी और डी की आयु, ये आपके ऊपर ही मैंने क्वेश्चन बना लिया है। कोई पहला बंदा है ए बी सी और डी, आपकी उम्र है किसी की है 20 वर्ष,
किसकी है? कर्मस लगाने का मतलब है पहले बंदे की है वो 20 वर्ष, और फिर लिखा 18 वर्ष, ये किसकी है? बी की। फिर लिखेंगे 23 वर्ष सी की, और फिर 25 वर्ष, और लास्ट में मैं लिख रहा हूँ तथा 16 वर्ष हैं। तो इनकी औसत आयु क्या होगी? जब हम औसत पढ़ेंगे तभी अपने अनुपात भी पढ़ लेंगे, और उसके बाद अनुपात के बाद में हमें वो प्रतिशतता पढ़ेंगे। यदि ए बी सी और डी की आयु कर्मश 20 वर्ष, 18 वर्ष, 23 वर्ष और 25 वर्ष, एक ज़्यादा हो गया ना, चलो तेईस वर्ष 25 वर्ष है, तो इनकी औसत आयु क्या होगी? तो औसत का सूत्र क्या होता है? संख्याओं का योग बटा किस संख्या, यहाँ कितना है संख्याओं का योग, तो हम टोटल करेंगे 20 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 25 अपॉन कितने बंदे हैं, संख्याएं कितनी है काउंट कर लो, 1 2 3 4। अब टोटल करेंगे 20 देखो डाटा का जब भी आप कैलकुलेशन करो तो भी ये फास्ट करनी है, ऐसे आप टाइम कम लगाना चाहिए। जैसे 20 है तो 20 और 20 गिन लो आप, 40 गिन लो। अब इसको 21 ही गिनना है, 61 हो जाएगा, 61 और ऊपर वाले 5 गलो 66 और 20 86। अब भाग दोगे तो आपको पता है यहाँ पर पूरा भाग जाएगा नहीं, कितना आएगा 21.5, 21.5 वर्ष औसत आया है। अब यहाँ पे देखने के बाद ये है कि 21.5 वर्ष किसी की भी उम्र नहीं है, तो औसत आ जाए तो आप परीक्षा में ऐसे भी देख लो, अब सद में 20 वर्ष, 18 वर्ष, 23 वर्ष, 25 वर्ष, आप कहोगे इनमें से कोई ना कोई एक उत्तर होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो पास संख्या थी 20, 18, 23, 25 उसमें से भी उत्तर नहीं आया है। इन संख्याओं का औसत से कोई लेना देना नहीं है, ये आपने देख लिया। 21.5 वर्ष का मतलब क्या होता है? अब देखते 21.5 का मतलब, 21.5 वर्ष का मतलब है अगर इसको देखें तो ये 1.5 वर्ष क्या है, कम, इसकी 1.5 वर्ष ज़्यादा है, और इसकी ये भी 3.5 वर्ष ज़्यादा है, इसकी भी ज़्यादा है, और इसकी कम है, और इन दोनों की कम, दो की कम है और दो की ज़्यादा है। औसत एक ऐसी संख्या है जो इनके आसपास रहेगा, एवरेज सेंटर पॉइंट रहेगा कि आप है वो इतना आगे बढ़ो और आप है वो आगे इतना बढ़ो। जैसे एक और क्वेश्चन है, जैसे कोई एक चीज़ है 100 रुपये की, 100 रुपये की है, और आपको दुकानदार कह रहा है कि 100 में लेनी है तो ले लो, आपने कहा नहीं मैं तो 80 दूंगा, ठीक है, वो कह रहा नहीं 80 में मैं नहीं दूंगा, तो कोई एक और बंदा होगा वो कहेगा चलो छोड़ो आप, न इसकी बराबर आगे बढ़ेंगे, हो 10 तुम आगे बढ़ो, 10 है वो पीछे आएगा, यानी कि आप 10 आगे बढ़ो, 90 होता है, वो 100 बोल रहा है, वो 10 है वो कम करेगा, तो कितने हो जाएगा 90। तो अब यहाँ पर ये भी बात सही है कि 100 और 80 का औसत क्या होता है, 90 होता है, वो औसत ही होता है इन दोनों का। तो किन्हीं संख्याओं का, दो संख्याओं हैं, उस संख्याओं से एक इतने घटाया जाए और दूसरी संख्या में उतना जोड़ा जाए, वो बराबर होना चाहिए, वही औसत कहलाता है। आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे अगर मैं कहूँ, ये आपने उतार लिया, ठीक है, अब मैं एक बात बता रहा हूँ कि आपको कैसे औसत है वो निकाला जाए। तो आप ये ज़रूरी नहीं है कि राशियों का योग करो और राशियों की संख्या निकालो, जैसे कोई दो संख्या है 18 और 22, आपको इनका क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, औसत है वो क्या आएगा, तो आपने कहा औसत वही आएगा जब इन दोनों को जोड़ देंगे अपन और दो का भाग। मैं कह रहा हूँ आप ऐसा मत करो, आप ये करो 18 और 22 का टोटल कितना होता है, ठीक है 40, दो कितना होता है 20, आपने निकाल दिया। एक और विधि क्या है, 18 और 22 इन दोनों में गैप कितने का है, चार का गैप है, चार का गैप है, तो दो तो इसमें जोड़ दो और दो इसमें से
घटा दो, दो इसमें जोड़ते हैं तो कितना आता है 20, दो इसमें से घटा दे तो कहते हैं ना 20, यानी सब संख्या समान हो जानी चाहिए, वही संख्या औसत कहलाती है। सभी संख्याओं का एक ऐसा रूप जो समान कर दे उसको। अब जब आप पांच बच्चे हो, छह बच्चे हो, जितने भी बच्चे, ठीक है, किसी के पास 100 रुपये, किसी के पास 150 रुपये, किसी के पास 125 रुपये, ये आपको बताया हुआ है। अब आपको ऐसे रुपये बांटने हैं सभी को कि बराबर आए, तो वही औसत होता है। आपके रुपयों का औसत क्या होगा, ऐसा सभी को रुपये बांट दो बराबर आना चाहिए, वही औसत होता है आपका। तो चलो औसत की परिभाषा के बाद में क्या होता है कि हमारे पास जो एक सूत्र था उसी सूत्र को घुमाकर और भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे शॉर्ट में लिखा जाए तो औसत का सूत्र होता है योग बटा संख्या, और यहाँ से पक्षांतर करने पर ही अपने को नया सूत्र मिलेगा, और वो दो सूत्र क्या मिलेंगे बोलो, अगर आप यहाँ वज्र गुणा करेंगे तो योग का सूत्र क्या आएगा, और संख्या का सूत्र क्या आएगा, संख्या पता करनी हो तो ये संख्या यहां चला जाएगा, ये औसत यहां आ जाएगा, बस ये सूत्र एक सूत्र था और उसी से ये नए सूत्र बने हैं। फर्स्ट मैन ये है, इसी से ये बना है, और इसी से ही ये तीनों सूत्र है, वो योग निकालने में काम आएगा ये वाला, और ये औसत निकाल, ये सूत्र तो आप रट ही लेना, योग तो अपने को पता होना चाहिए। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो योग से ही क्लियर हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं और योग से, अब लिखिए एक एक खिलाड़ी पांच पारियों में कर्मस 18, 12, 33, 47 और 40 रन बनाता है तो उसका औसत रन स्कोर क्या है। पांच पारियां, पहले मैच में उसने कितने रन बनाए 18, सेकेंड में 12, थर्ड मैच में 33, फोर्थ में 47 और फिफ्थ में 40। अब आपको कोई बोल दिया है कि इनका औसत क्या होगा, अब आप यहाँ पे हाईएस्ट संख्या देखो क्या है, 47 हाईएस्ट संख्या है, वो 47 है, और इन सब का जोड़ आप कर लो, 8 2 10 2 2 4 और 3 7 और 4 11 और 4 15 बटे, सूत्र आएगा। अब ज़्यादा संख्याएं हो तो आपको इसी विधि से योग करके भाग देना है, योग में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ये आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए कि आप जो योग है वो जल्दी कर सकें। 18 12 30 30 60 63 60 70 80 150 ना। अब आपको एक संख्या मिसिंग देगा और आप भी ये कल्पना करो कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। औसत अभी अपनी शुरुआती लेवल है, आपको गणित में कुछ नहीं आ रहा है, जहाँ पर भी लगे गड़बड़ है आप पूछ लीजिए। यदि एक कक्षा के पांच विद्यार्थियों का औसत वजन 30 kg है, यदि
विद्यार्थियों का वजन क्रमशः 40 kg, 20 kg, 1 kg और 25 kg kg है तो x का कैसे करोगे ये सवाल? पांच विद्यार्थियों का औसत वजन दिया हुआ अपने को, कितना किलो है? 30 किलोग्राम है। उसमें आपको पहला, दूसरा, चौथा और पांच, पांच बंदों का तो वजन दिया हुआ है। पहले बंदे का कितना है? 40 किलो। दूसरा बंदे का कितना है? 20 किलो। तीसरे बंदे का 1 किलो और चौथे बंदे का 25 kg। और अब आप जोड़ 60, पहले जो पता है वो जोड़ दो और x को भी साथ में जोड़ देना। अब ऐसे डायरेक्ट जोड़, 40 और 20 कितने होते हैं? 60। ओके, 60 प्लस 25 और 45 कितने होते हैं? 70 प्लस x बटे, राशियों की संख्या कितनी है? 5। औसत कितना आएगा? ये कह रहा 30 आना चाहिए। ये सूत्र ये होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बराबर औसत, ये सूत्र होता है। राशियों का योग आपने निकाल दिया, संख्या आपने रख दी और 30। इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने वज्र गुणा किया है, ठीक है? तो x निकालना आया तो मैं यहाँ पक्षांतर करूँगा। जब ये चीज़ें आपको पता नहीं है तो मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर जब दोनों तरफ संख्या बट्टा में हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे? वज्र गुणा, वज्र गुणा करके एक लाइन में लिखेंगे अपन। और वज्र गुणा करने के लिए इसको इससे गुणा किया जाता है, 130 प्लस एक्स को एक से गुणा करेंगे तो 130 प्लस एक्स रह जाएगा और 5 है वो 30 से गुणा हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो फिर एक्स और बिना एक्स वाली संख्याएं होती है अपने पास, चर और अचर, तो अपन क्या करते हैं? पक्षांतरण करते हैं। और पक्षांतरण करने के लिए अपन ये सिस्टम यूज करते हैं कि प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 130 150 में से घटाएंगे तो पीछे रहेगा। ओके, तो चलो आज इतना ही सिंपल सा चीज़ पढ़ेंगे, कल है वो थोड़ा और इसका लेवल इम्प्रूव करके पढ़ेंगे शुरुआती क्लास, ठीक है? तो कल आप टाइम से आ जाना। ओके, बाय।